आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, आइए। हाँ हम भी आते हैं, रुको। आप दुकान किराए पे ली है? हाँ। तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट किराए सबके पैसे कहाँ से आए? पापा से लिए पैसे? नहीं, पापा से तो। तो फिर इतने पैसे कैसे लुटा लिए तुमने? मयंक सच बताओ हमें। सुजोय के दोस्त ने दिए। दीदी आप क्यों चिंता कर रही हो? सुजोय कहाँ है? बाथरूम गया। ओके। अरे पर बाथरूम में गया। हाय सुजोय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू दी। अच्छा हमें ये बताओ कि इतने पैसे कैसे जुटा लिए तुमने? दी वो मैं नहीं। तो किसने दिए पैसे? मयंक कहीं से फाइनेंस लाया था। अच्छा क्या हुआ दी? कुछ नहीं, वो बस इतना है कि मयंक का कहना ये है कि पैसे तुमने दिए और तुम कह रहे हो कि मयंक ने पैसे दिए हैं, तो फिर पैसे किसने दिए? दीदी चुप रहो तुम। सुजॉय साफ साफ बताओ हमें पैसे किसने दिए? बताओ किसने दिए पैसे? वो अनुराग प्रधान। क्या? दी मैं आपको सच बताता हूँ, अनुराग प्रधान ने हमारे बिजनेस में पैसे लगाया है। दीदी प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। दीदी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पापा को मत बताना। दीदी हाँ जा रही काव्या, खाना खाकर जाना, तेरी पसंद की कड़ी बनाई है। कि मयंक ने अनुराग से पैसे लिए? मैं सब बताता हूँ अनुराग। आप दीदी प्लीज, आप प्लीज पापा के सामने मत बोलना। क्या जरूरत है अनुराग से पैसा लेने की तुझे? फिर पापा को पता चल जाएगा। रुकिए, पापा को अभी तक इसने नहीं बताया, हम जा रहे हैं बताने। दीदी पापा को मत बताना प्लीज। तुमने क्यों किया ऐसा? मैं क्यों लिए उससे पैसे? और अनुराग, अनुराग प्रधान है, वो गिरिराज प्रधान का भतीजा है, उसके पैसे लेके तुम काम कैसे शुरू कर सकते हो? दीदी फिर कहाँ से लाते हैं पैसे? और वैसे भी अनुराग सुजोय का दोस्त है, वो उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है? और तुम कैसे जानते हो ये? और मयंक बात धोखे की नहीं है, बात उस आदमी की है, उसके पैसों की है, जो उसी की तरह घिनौना होगा। बात हमारे पापा के गुरूर की है। तुमने तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब पापा को पता चलेगा तो वो कितना ज्यादा शर्मिंदा होंगे? मयंक हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच। हम नहीं कर सकते, हम जा रहे बताने। अपने पापा को कुछ भी नहीं बोलेगी बेटा। मम्मा हम वो पैसे लौटा देंगे, हम पाई पाई चुका देंगे, पर प्लीज हमें बताने दीजिए। आत्मसम्मान को जो ठेस लगेगी उसे कैसे लौटाएगी तू? कई सालों से रह रहे हम उनके साथ में, उनकी रग रग को पहचानते हैं हम। वो हर मुसीबत सह लेंगे बेटा, लेकिन शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और टूट जाएंगे। तू कुछ नहीं बोलेगी। देख अभी तेरे पापा के पास काम नहीं है, उस काम की जरूरत है। पापा ने जॉब छोड़ दी है, ये बात हमसे कैसे छुपा सकते हैं? एक महीने से ऊपर हो गया है, उन्होंने मना किया था बेटा कि तुझे बताएंगे तो तू परेशान हो जाएगी, इसलिए नहीं बताया तुझे। लेकिन ये बात तो मत बताना बिल्कुल भी पापा को, पापा टूट जाएंगे तेरे बेटा। नहीं बोलेगी ना? चाचा जी देखिए हम आपको बोल रहे हैं, बात को समझिए नहीं तो बवाल हो जाए। तुम ना बीच में टांग मत अड़ाया करो मोंटी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो समझ के कर रहे हैं। अरे सोच ही तो नहीं रहे हैं आप? और छोटे तुम क्यों नहीं कुछ बोलते यार, तुम समझाओ ना इन्हें। हम गधे हैं, ये समझाएगा? अरे बस बस आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मोंटी भैया हम जो भी करेंगे चेक करके करेंगे, और पापा आप कम से कम इनकी बात तो सुन लीजिए, ये एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है, हर बात में टांग अड़ाता है, कोई काम तो ढंग से होता नहीं। अच्छा बस इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आप आइए हमारे साथ आइए।
अब क्या नई चाल चल रहे हैं आप? आइए बैठ के बात कर सकते हैं। आपकी क्या शिकायत है? बैठिए आराम से बोलिए। हमारे भाई के बिजनेस में पैसे क्यों लगा रहे हैं? फंसाना चाहते हैं उसे। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी शक करने की आदत है, ये पैदाइशी है या शादी के बाद हुई है? सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब। मयंक को पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो खुद से आपके पास नहीं आया होगा, तो फिर क्यों? हमें पता था कि तुम्हें एक ना एक दिन ये पता चलेगा। एक्चुअली हमें तुम्हें खुद बता देना चाहिए था, लेकिन हम डर रहे थे तुम्हारे इस रवैये से। तो क्या चाहते हैं? हम खुश हों, भरोसा करें आप पे। आपको याद नहीं है हमारे परिवार को कितना जलील किया गया, हम पे इल्जाम लगाए गए, हमारे भाई पे हाथ उठाया गया? तब तो आपने कुछ भी नहीं बोला, तब तो आप बस देखते रहे। क्या करते हम? तुम बताओ ना, परिवार से आगे निकल जाते। अरे जब हमने ये सुना कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम लगाया गया, हम नहीं मान पाए कि तुम खून कर सकती हो। और फिर ये कोई सौदाबाजी नहीं है, उसे जो भी फंड हमने किया है वो एक छोटा सा बिजनेस कर सके इसलिए किया। अब तुम यकीन मानो या ना मानो। तो आप ये चाहते हैं कि हम ये मान लें कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी भी हो सकती है? संजीव तुम सही कह रहे थे, ये ब्रिज गोस्वामी बहुत करप्ट आदमी है, बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है बंदा। तो आगे बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें, हम दिलवा देंगे वो भी सही तरीके से। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें लगता है भगवान ने ऐसे दोस्त बनाने ही बंद कर दिए। भगवान ने हमको एक के पीस बनाया था, फिर साचा को ही तोड़ दिए। सच में काव्या की हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंकिंग यू। अरे थैंकिंग यू किस बात का? अरे समझ के आधी का अरे बंटी, ये बंदर बना करके खी खी खो खो खू खू खो करवा रहा है। खीकी नहीं दिया जी, हाथी होगा। मालनी तेरा भाई बोरा गया है। बोरा नहीं, पैसे लाया। मामा भांजे को चुनाव जिताएगा। अच्छा ये बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले ब्रिज गोस्वामी तो नहीं? तुम जानते हो? जानते नहीं उनको हम, लेकिन उनकी फाइल पड़े है। अरे बंटी मामा सच बोल रहे हो? अरे कसम जानी वाकर की भांजे। रोकना लगाऊंगा, भांजे को MLA बनाऊंगा। अरे बंटी मामा ये काव्या है। इसने ओमी भैया को मारा है और हमारे परिवार को बर्बाद कर रहे हो। नन्ही सी जान से उसका बाप छीना है। झूठ बोला, धोखा दिया। शाम को पार्टी है। पर तुम नहीं है ना। हमसे पंगा मत लेना, वरना पड़ेगा बैंड बजाना। तो आप है कंस मामा जिन पे चल रहे हैं 5 मुकदमा। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और काला धंधा, 4 जिलों में वारंट लगे हैं। बेल पे जेल से छूटे हैं। आदि के कैंपेन में पैसे लगाएंगे। काले धन से इलेक्शन जितवाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम काव्या? बकवास नहीं कर रहे हैं आदि, हम भी आप सबकी तरह हाथ से योगा ही तो कर रहे हैं, हम मामा जी के कदमों पर चल रहे हैं। भांजे कहाँ से लाया है नमूना?
इसे पिंजरे में बंद करके रख। तुमसे बात करनी है, चलो। रे जीजी, ये कैसी पनौती पाल रखी है घर में? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरा ड्रामा के खाना पड़ता नहीं आजकल। एक काम करो, सबका सर खाने की बजाय चूरन खा लिया करो। एक तो हमारी लाइफ और हमारे करियर में दखल देना बंद करो। हम इलेक्शंस कैसे लड़े, किसके पैसे से लड़े, ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? थोड़ा सा सिंदूर लगा दे तुम्हें, प्लीज। थोड़ा सा देखो। अब याद रहेगा ना कि हम तुम्हारी बीवी हैं और तुम्हारी हर चीज में दखल देने का हक है हमें, तो हम इसी हक से तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारे मामा जी ब्रिज गोस्वामी जी एक भ्रष्ट बिजनेसमैन है, जिनका पैसा मासूम गरीबों के खून में सना हुआ है, और अगर तुम उस पैसे को हाथ लगाओगे तो तुम भी लोगों की नजर में भ्रष्ट बन जाओगे। ज्यादा स्मार्ट मत बनो काव्या पंसन। तुम कोई नई बात नहीं बता रही हो हमें। कैस्टी के एक्सीडेंट, पंडी मामा पे केस चला, उनका नाम क्लियर हुआ, वर्कर्स को मुआवजा मिला, सारे पेपर्स देखे हमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेकार में एक अच्छे आदमी का नाम खराब कर। हम सच बोल रहे हैं, रुको, तुम खुद देखो। ये देखो, घूस देकर, इधर देखो आदि, घूस देकर केस दबाया था उन्होंने और किसी वर्कर को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। तुम खुद देखो ना कितनी शिकायतें दर्ज है उनके खिलाफ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.